लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भी है तुझे तकलीफ होगी, टहलते में निकल जाऊंगा, कुछ तांगे भी सीधी हो जाएंगे। हाँ। लेकिन जरा संभल कर जाना, आजकल लखनऊ में गुंडों का बहुत जोर है। डोंट वरी भाई, डोंट वरी। हैंड्स अप, यानी हाथ खड़े करो। बड़ी लंबी उम्र है आपकी जनाब, अभी आप ही का जिक्र हुआ था। बकवास बंद, शेरवानी उतारो। शेरवानी उतरवा के क्या करोगे? तुम्हें माल से मतलब है, जेब में हाथ डाल के निकाल लो। हमें माल से कोई मतलब नहीं, शेरवानी उतारो, उतारो। उतारते हैं भाई, जल्दी करो। जमीन पर फेंक दो। आप पजामा उतारो। पजामा क्यों? पहले पजामा उतारो, सवाल बाद में। उतारते हैं भाई, उतारते हैं। पजामे की औलाद, सीना फाड़ दूंगा। पहले तुम केला खाओ। उठ जा, उठ जा। पर नहीं, ये केला मैं। नहीं नहीं, खुदा के लिए ये जुल्म मत करना, मुझे केला हजम नहीं होता। उठो ऐसे, उठो। पैर हटाओ, पैर हटाओ। चलो उठो, उठो। और तुम एक शरीफ ज्यादा। शरीफ ज्यादा रात को इस लिबास में घूमते हैं? क्या करता, कुंडे मेरे कपड़े उतार के ले गए। वो तो खुदा का शुक्र है कि रही सही इज्जत इस चड्डी ने ढांक रखी। तुम मेरे कपड़े क्यों उतरवा रहे थे? तो क्या घर इस हालत में जाता
तुम्हारा नाम क्या है? सिकंदर बख्त, परवजन बदबख्त। चलाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने कपड़े देता हूं। ये केला। भाईजान, भाईजान, ये आपके पीछे कौन छुपा हुआ है? ये हमारे दोस्त हैं, चड्डी शाह। क्या ये ऐसे ही घुमा करते हैं? इनका कहना है कि नंगे आए थे, नंगे जाना है और इस दुनिया से क्या ले जाना। तो फिर इन कपड़ों की भी क्या जरूरत थी? चले थे हमारी इज्जत ढांकने, पहन के सामने उछाल के रख दी। दोस्त भी तो कहा आपको, चड्डी शाह का और बंदर भी। कुछ तो नाम लेना था, उस वक्त में वो दोनों नाम बहुत फिट बैठे। नाम है सिकंदर आलम, बुलाइए खातून को और रुतबेदार तारुफ कराइए। ये रहा कुर्ता और पजामा और वो रहा गुसल खाना, पहनिए और चलते बनिए। हमें ये रुखापन, लगता है तकल्लुफ आपको छू भी नहीं गया। आप लखनऊ के रहने वाले या टिम्बकटू के? मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसीन। सुभान अल्लाह, किधर है, कहाँ है? दरवाजा उधर है। हुजूर, अपने दिल का झरोका दिखाइए ताकि हम भी देखें कि वहां पे कौन चुटकियां ले रहा है जिसे आप खत लिख रहे हैं। अजी कैसे लिखूं, इन कमबख्त उंगलियों को आज ही जख्मी होना था। तो हम लिखे देते हैं, हुजूर लुत्फ आ जाएगा। उठिए उठिए उठिए। सुरूर बिखेरने वाली हसीन, वाह क्या उठान है, फरमाइए फरमाइए। मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसीना, तुमको देखा तो समझ में आया लोग क्यों बुद्ध को खुदा मानते हैं। सुभान अल्लाह, मरहबा, क्या नज्म कही है माशूक की तारीफ में, पढ़ते ही आपके लिए बेकरार हो जाएगी, लाचार हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। जल्दी से उसका नाम और पता बताइए। माफ कीजिएगा, आपको नाम और पता बताकर मैं अपने लिए खतरा मोल लेना नहीं चाहता। खतरा किस बात का हुजूर? हजूरे वाला, कल आप उनके घर पहुंच जाएंगे और कहेंगे ये मोहब्बत नामा आपने लिखा है, और वो आपके लिए बेकरार हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, आपके लिए बीमार हो जाएंगे, और हम मरीज मोहब्बत बिना इलाज के मारे जाएंगे। सो ये लिफाफा खुद हम उन तक पहुंचाएंगे। चला चल लिफाफे कबूतर की चाल, तू जल्दी से ला मेरे दिल भर का हाल। चला चल लिफाफे कबूतर की चाल, चला चल लिफाफे कबूतर की चाल, सुना जाके उस शोक को मेरा हाल। चला चल लिफाफे कबूतर की चाल, सुना जाके उस शोक को मेरा हाल। चला चल लिफाफे, तुझे उसके अब्बा का धड़का नहीं, तुझे उसके अब्बा का धड़का नहीं, कि तू एक लिफाफा है लड़का नहीं। मेरा उसके घर में हो है, मेरा उसके घर में है जाना मुहाल, सुना जाके उस शोक को मेरा हाल। चला चल लिफाफे कबूतर की चाल, सुना जाके उस शोक को मेरा हाल। जा
दिखाना कुछ अपने हाय होए दिखाना कुछ अपने हुनर का कमाल सुना जाके उस शोक को मेरा हाल चला चल लिफाफे कबूतर की चाल सुना जाके उस शोक को मेरा हाल खुशी से जो तन्हाई में झूम ले वो खुशी से जो तन्हाई में झूम ले वो खुशी से जो तन्हाई में झूम ले वो जो नजरें बचा कर तुझे चूम ले वो चुरा लाइयो लाइयो है चुरा लाइयो रंग लब लाल लाल सुना जाके उस शोक को मेरा हाल चला चल लिफाफे कबूतर की चाल सुना जाके उस शोक को मेरा हाल सुना जाके उस शोक को मेरा हाल छोटी सरकार आपकी चिट्ठी मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसीना तुमको देखा तो समझ में आया लोग क्यों बुद्ध को खुदा मानते हैं भाईजान ये आपको क्या हो गया है भाईजान क्या हुआ सिकंदर को अम्मी जान ये आप खुद पढ़कर देख लीजिए देखिए पढ़िए मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसीना तुमको देखा तो या अल्लाह सिकंदर ये क्या हो गया है तुम्हें सिकंदर क्या हुआ सिकंदर को ये कैसी चिट्ठी है हमारी बर्बादी की मेरी तन्हाइयों में सुरूर बिखेरने वाली हसीना नलायक अपने हाथों से अपनी ही बहन को किसी के लिए मोहब्बतनामा लिख दिया सिकंदर सिकंदर अबू सरकार मैं आ गया फरमाइए कैसे याद किया इधर आओ ये क्या है कागज है सरकार नालायक यह मोहब्बतनामा है जो तुमने लिखा है मैंने लिखा हाँ आराम से ये क्या चला चल लिफाफे कबूतर की चाल तू जल्दी से ला मेरे दिलबर का हार मर्दूत कमीने इश्क से भरपूर चिट्ठी मेरे हाथों मेरी बहन को लिखवाई फिरदौस जहां आपकी बहन है नहीं तो क्या आपकी बहन है अरे मजा आ गया यार अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है देखिए अब मैं क्या क्या फाड़ता हूँ अरे बड़े एहसान फरामोश हो तुम यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एहसान का फौरन बदला चुका देता आपने मुझे समझा क्या है फिरदौस जहां के भाई और मेरे होने वाले खबरदार मैं आपका साला होना मंजूर नहीं करता और याद रखो चंगेजी खानदान की आबरू से खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट हाँ हाँ वही बजा दूंगा आदाब आदाब मोहतरमा ने शायद मुझे पहचाना नहीं चद्दी शाह पजामा शाह हूं इस वक्त रेशमी इजारबंद के साथ आदाब
माफी चाहता हूं। जनाब नवाब साहब, आप भी किससे माफी मांग रहे हैं? ये तो चौक की मशहूर कस्बी है हजूर, कभी दिल बहलाना हो तो इसके कोठे पर चले जाइएगा, आपकी तबीयत खुश कर देगी। मैं इस बेहूदगी के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, उम्मीद है कि आप इसे नजरअंदाज कर देंगे। आदाब। कामों में दखल देना नहीं चाहिए, जाना मेरा काम है वो मैं करूंगा, इंतजार करना आपका काम है वो आप करेंगे। मैं आपकी पांव पड़ती हूं, आज मत जाइए, आज बच्चियों की सालगिरह है, वो खुशी के मारे दो दिन से सोए नहीं कि सालगिरह के दिन अब्बा जान उनके साथ खेलेंगे, उन्हें खिलौने देंगे, अगर आज आप चले गए तो उन बेचारियों का दिल टूट जाएगा। उनका दिल टूट जाए या वो मर जाए, हमें तो जाना है। बेगम, हमें देर हो रही है। देर हो या अंधेर, लेकिन आज आप जा नहीं सकते। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? नवाब जहांगीर, मैं अपने खानदान की आबरू पर उठने वाले हाथों को तोड़ना भी जानता हूं। अख्तर नवाज, गुलामिया, हम अपने बेटे की इस हरकत पे बहुत नादिम हैं। अम्मी जान, चुप। क्या बात है दूल्हा मियां? नसीमार आपसे किस बात पे झगड़ रही थी? आप अपनी बेटी से ही पूछें तो बेहतर होगा। नसीमारा, अम्मी जान, मैं नहीं चाहती थी कि आपकी नजरों से गिर जाए। अगर इन्हें अपनी रुसवाई की परवाह नहीं तो सुनिए, ये हर शाम हुस्ना नामी एक नाचने वाली के कोठे पर जाते हैं। जहांगीर नवाब, तुम एक रक्कासा के कोठे पे जाते हो? मैं उससे निकाह करने वाला हूं। तुम दूसरी शादी करोगे? जरूर, अगर आप पसंद नहीं तो आप अपनी बहन को अपने घर ले जाइए। सुनिए नवाब जहांगीर, कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इस घर में डोली में बैठकर आई थी और जब इस घर से जाऊंगी जनाजे पर जाऊंगी। अच्छा तो तुम हुस्ना हो? जी। लखनऊ के गली कूचों में तुम्हारे हुस्न के बहुत चर्चे हैं। आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल, आज से हुस्ना गाएगी तो हमारे लिए, नाचेगी तो हमारे लिए। बहुत खूब। बोलो क्या कीमत लोगी? कीमत? हुजूर की तारीफ। खरीदार, आज तक हुस्ना की कोई कीमत नहीं डाल सका। मुंह मांगी कीमत मिलेगी? बाजार हुस्न में खिलौने बिकते, दिल नहीं बिकते। हुस्ना का दिल चांदी और सोने की झंकार से नहीं धड़कता। जाइए, बाजारे हुस्न से दिल बहलाने के लिए दो चार खिलौने खरीद लीजिए। हुस्ना, आप हैं नवाब अख्तर नवाज, हमारी बेगम के भाई। अपनी बहन का सुहाग बरकरार रखने के लिए तुम
तुम्हारे कोठे पे आए। अच्छा, अब समझी हुजूर एक नाचने वाले के कोठे पर क्यों तशरीफ लाए हैं। बिगड़े नवाब, यहां से तशरीफ ले जाइए। जाना जाना जल्दी, क्या है रात महक तो जाने दो। जाना जाना जल्दी, क्या है रात महक तो जाने दो। ठहरो ठहरो दिल तो ठहरे, होश में मुझको आने दो। जाना जाना जल्दी, क्या है जाना जाना जल्दी, क्या है जाना जाना जल्दी, क्या है रात महक तो जाने दो। ठहरो ठहरो दिल तो ठहरे, मुझको पारे दो। जाना जाना जल्दी, क्या है तो।
तशरीफ रखिए। फरमाइए क्या कीमत देंगे? जो तुम मांगोगी। ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अपनी बहन का सुहाग बरकरार रखने के लिए जो कीमत तुम मांगोगी हम वही देंगे। हम जबान देते हैं। देखिए जबान मत हारिएगा। तुम मांग कर तो देखो। आपको हर शाम हुस्ना के कोठे पर आना होगा जी। यही मेरी कीमत है मेरी खरीदार। बाबा जिन बाहों ने मुझे गिरने से बचाया था अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो वही बाहें मुझे गिरावट से बाहर निकाल सकती हैं। बाबा ऐसा करम कीजिए कि वो बाहें हमेशा हमेशा के लिए मेरा सहारा बनी रहे। भाईजान एक बात बताइए उसकी सूरत कैसी है? ला हौल वला कुव्वत। किस मनहूस के बारे में पूछा? उसकी सूरत ऐसी है कि अगर उसे देख लो तो आंखों में मौत का नक्शा उतर आए। वो जब आंखों में काजल लगाता है तो लगता है जैसे झील कीचड़ से भर गई हो। उसके होंठ और दांतों के बारे में कुछ न पूछो। वो जब बात करने के लिए मुंह खोलता है तो गेंडे की औलाद लगता है। उसके रुखसारों की सुर्खी के सामने नागपुर का संतरा कश्मीर का सेब लगता है। भाईजान अगर वो इतना बदसूरत है तो फिर ये कौन है? ये कौन? यही जो फुटपाथ पे खड़ा लैंप पोस्ट के नीचे किताब पढ़ रहा है। कौन सी किताब? जी देखता हूँ देखता हूँ। बिन्नो ये तो किताब नहीं पढ़ रहा अखबार खा रहा है। फिरदौस मैं अमीनाबाद से बोल रहा हूँ। यहाँ पर गुंडों ने एक आदमी को जान से मार डाला है। गोली पे गोली चल रही है। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए हमें बहुत खतरा है। अरे कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? उमा खयाम है जी। वो कहाँ है जो ऊपर से गिरा था? मैं कभी ऊपर से गिरता हूँ कभी नीचे से गिरता हूँ कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता। तेरे बाप का क्या है? जरूर इसने उसे कहीं छुपा दिया है। तुम सब लोग जाकर उसे ढूंढो। ए जादा, जादा, ए
जा कहाँ रहे हो? मेरा घर तमले। साले। अब देख मेरे जूते का कमाल गंजू की ओर। सिर्फ जख्मी हुआ, मरा नहीं। मर जाएगा, गोली दिल के करीब लगी है। बाकी 50,000 रुपया हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि अख्तर नवाज मरा नहीं, जिंदा है। और मुझे मेरे 10,000 भी वापस चाहिए जो मैंने पेश की थी। अच्छा, तो आपको 10,000 रुपया वापस चाहिए? क्या कहा, तुम्हें 10,000 रुपया वापस चाहिए? जरूर जरूर, कल सुबह 10,000 रुपया तुम्हारी बेगम साहिबा को पहुंचा दिया जाएगा। नहीं नहीं, खबरदार, अगर घर पे आए तो वो रुपया तुम्हें मिल जाएगा। इतनी रात गए, कौन आपसे रुपए मांग रहा था? आपको इससे क्या, मैंने कहा ना रुपया तुम्हें मिल जाएगा। कैसा रुपया? मैं बोल रही हूँ नसीबारा की अम्मी। अम्मी जान। हेलो, क्या भाईजान जख्मी हो गए? मैं अभी आती हूँ अम्मी जान। सुनिए, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसे आपकी मौत से फायदा पहुँचता हो? वो... भाईजान, भाईजान आप ठीक तो है ना? आपा बजिया, गोली बाजू पर लगी है। अख्तर नवाज साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। डीआईजी साहब, मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद की मालिक मेरी अम्मी जान है, और अम्मी जान के बाद मेरी बहन। मेरे बहनोई नवाब जहांगीर खुद एक बहुत बड़े रईस हैं, इसलिए इनकी नजर मेरी दौलत पर नहीं हो सकती। डीआईजी साहब, हमारी नजर इनकी दौलत पर नहीं, अलबत्ता हमारे साले साहब की नजर हम पर है कि हम इनकी बहन को खुश रखें। अच्छा नवाब साहब। अच्छा जी, शुक्र है अल्लाह का आप बच गए। पांच बज गए, अब 500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे। सरकार शरबत जी। नहीं सरकार शरबत। चंगेजी शरबत सरकार। लाओ लीजिए। ये क्या बेहुदा हरकत की तुमने, जानबूझकर मुझ पे शरबत उल्टाया? जानबूझकर नहीं उल्टा सरकार। तो फिर कैसे उल्टा? ऐसे। बदतमीज, ला हौल विला कुव्वत। सिकंदर नवाब, ये क्या बेहूदगी है? आपने मुलाजिम पर हाथ उठाया, पांव नहीं उठा सका इसलिए हाथ उठ गया। चुप, माफी मांगिए इनसे। अब्बू, आपने ये क्या फरमाया, मैं एक अदना मुलाजिम से माफी मांगू? सरकार अब ये माफी मांगे या घुटने टेके, मैं यहाँ काम करने वाला नहीं सरकार, मैं यहाँ काम करने वाला नहीं, चलता हूँ। आदाबर बेगम, देख लिया अपने बेटे की करतूत, अगर इनके मिजाज ऐसे रहे तो एक एक करके सब मुलाजिम चले जाएंगे। सिकंदर मियां, जब तक नया मुलाजिम नहीं आता
आपको अपना काम खुद करना होगा, यही आपकी सजा है। किसी को नौकर की जरूरत है? एक वफादार, पुख्ताकार, खिदमतगार, जानेसार मुलाजिम की जरूरत है। बड़े मियां, हमें नौकर की सख्त जरूरत है, फौरन ऊपर आ जाइए। फौरन से पेस्टर पहुंचते हैं मियां, इसी मौके का तो इंतजार था हमें। तुम लोग जाओ, उस नौकर को लेकर आओ। अम्मी जान, हमारी सजा मुआफ। आज तक सड़कों पे सिर्फ हड़ताल के लिए आवाज लगाते सुना था, नौकरी के लिए आवाज लगाते नहीं सुना था। अब्बू, गालिब का एक शेर अर्ज करता हूँ, नौकरों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। उससे क्या खुसूर फुसूर हो रही थी जी? वो जो बोरी बिस्तर दबाए बाहर गया जी। जी जी, मुझे होशियार कर रहा था, कह रहा था कि बड़े सरकार आफ्ताब है, बेगम सरकार महताब है, छोटी सरकार इंतखाब है, और छोटे सरकार की सूरत बड़ी खराब और आवाज मुर्दार। जी मैं वही हूँ। आप बड़ा ही बदतमीज निकला, आपकी सूरत तो फरिश्तों जैसी और आवाज बिल्कुल मुलायम और सुरीली है। छोटी सरकार, आपका इसमें गिरामी खादिम को मीर तसद्दुक हुसैन तबाह तबाही कहते हैं। आपने पहले किसी नवाब की हवेली में काम किया है? जी एक एक हवेली हो तो उसका जिक्र करूं, यहाँ तो जिंदगी गुजर गई नवाबों की जूतियां सीधी करने में। आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं? सरकारी आली, दो चार सर्टिफिकेट होते तो मैं आपके हुजूर में पेश कर देता, यहाँ तो इतने सर्टिफिकेट है कि वो एक छकड़ा भर जाए। अच्छा, क्या तनख्वाह लेंगे आप? तनख्वाह तो बाखुदा खादिम के खानदान में किसी ने नहीं लिया आज तक। तो क्या आप मुफ्त काम करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूर लूंगा, निगाह करो, बस वो पड़ जाए तो सरकार की इनायत होगी। बातें तो आप बड़ी लच्छेदार करते हैं। ईद की सेवैया पकाते पकाते सामान में लच्छे पड़ गए सरकार। और खिचड़ा पकाते पकाते आपकी दाढ़ी खिचड़ी हो गई। जी नहीं, बिगड़े हुए नवाबजादों को तहजीब सिखाते सिखाते दाढ़ी खिचड़ी हो गई है। बड़े मजे के इंसान है आप। बेगम आपका क्या ख्याल है? रख लीजिए, घर में जवान लड़की है, नौकर चाकर बुजुर्गी हो तो अच्छा। मैं छोटी सरकार पर खास नजर रखूंगा, इन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुमको देखा तो समझ में आया लोग क्यों बुद्ध को खुदा मानते हैं। देखा तो समझ में आया, तुमको देखा तो समझ में तख्त लूटे, पैसों पर हाथ
जनाब तबा तबाई साहब, एक शायर ने एक हसीना को देखकर कुछ शेर कहे थे जो मैं आपके हजूर में पेश कर रही हूँ। तुमको देखा तो ये एहसास हुआ, ऐसे बुत भी हैं जो लब खोलते हैं, जिनकी अंगड़ाइयां पर तोलती हैं, जिनके शादाब बदन बोलते हैं, पहले अनजान थे अब जानते हैं, लोग क्यों बुत को खुदा मानते हैं, तुमको देखा तो समझ में आया, तुमको देखा तो समझ तबाई साहब, जरा यहां तो आइए। ये जूते चुराकर कहां भाग रहे थे जी? मेरा काम तमाम हो गया जी। अभी कहां, अभी तो शुरुआत हुई है। ये तशरीफ का टोकरा मेरे साथ लाइए। शुरुआत कहां से करूं? उस खिड़की से। क्या खिड़की से कूद जाऊं? खिड़की से बाहर देखिए। देख लिया? क्या दिखाई दिया? एक सड़क के नीचे। और क्या दिखाई दिया? वही लोग चल फिर रहे हैं, गाड़ियां इधर से उधर जा रही हैं। और क्या आपको फुटपाथ और लैंपोस दिखाई नहीं दे रहे, या जानबूझकर देखना नहीं चाहते? मेरे फुटपाथ भी है और लैंपोस भी है, और कलंदर अपना पंडन नचा रहा है। कल रात आप उस लैंपोस के नीचे क्या कर रहे थे? मैंने पूछा, कल रात आप उस लैंपोस के नीचे क्या कर रहे थे? वो मेरा दीवानापन था। और ये भेद? ये मेरी दीवानगी की इंतहा है। और वो खत? वो मेरी दीवानगी की इब्तिदा थी। बुलाओ अबू को, वो गोली मार देंगे आपको। जब मेरा दम निकले तो मेरी नजरों के सामने रहिएगा। जिंदगी और मौत का मालिक आपको बना चुका हूँ मैं। चले जाइए इस घर से। जन्नत का दूसरा नाम है फिरदौस। बड़ी मुश्किल से पहुंचा, आसानी से क्यों कर चला जाओ? आखिर आप चाहते क्या हैं? अपने खत का जवाब। मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। ना सही, जवाब नहीं दे सकती तो कफन दे दीजिए, लेकिन आज कर ही दीजिए मेरी किस्मत का फैसला। कफन देंगी या करम? तमीजन, तमीजन। साहिब आलम सिकंदर आजम, कितने रुपए रिश्वत दिए उस नौकर को? जी
क्या फरमाया छोटे सरकार ने? छोटे सरकार ने फरमाया कि आप मीर तसद्दक हसैन तबा तबाही नहीं है, आप हैं रेलवे टाइम टेबल की औलाद। क्या हिसाब लगाया मिनट मिनट का, अब्दुल करीम ठीक 5 बजे मेरे लिए शरबत लाया, 5:01 पर उसने मुझ पर शरबत गिराया, 5:15 पर मैंने उसे थप्पड़ मारा, 5:15 पर मैंने उसे नौकरी से निकाला, ठीक 5:30 पर कूचे में आपने आवाज लगाई, किसी को नौकर की जरूरत है? मैं आपकी खिचड़ी दाढ़ी से धोखा नहीं खा सकता। सरकार की हवेली में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, आप मुतंजन खाएं, बलाई के पराठे खाएं, अदरक का हलवा खाएं, धोखा खाने की क्या जरूरत है छोटे सरकार? चुप! मैं अभी तुम्हारी दाढ़ी नोच कर तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। सिकंदर जी, क्या बात है मेरे तवा तबाही? क्या अर्ज करूँ सरकार, आपके साहबजादे मेरी दाढ़ी नोचना चाहते थे। दाढ़ी नोचना चाहते थे, मगर क्यों? बुजुर्गों की दाढ़ी नोचने से शायद इनके चेहरे पर हंसी आती हो सरकार। मेरे तबा तबाही, हम अपने बेटे के इस हरकत पर बहुत नादिम हैं। सरकार, मैं तो बड़ी देवड़ी समझ कर आया था, ये नहीं जानता था कि आपके फर्जंद नेक अख्तर को दाढ़ियों से छेड़खानी करने का शौक है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं सरकार कि आपने दाढ़ी नहीं रखी, वरना ये आपकी दाढ़ी से भी खेल लेते। हाँ खामोश, अब्बू सरकार की शान में ऐसी गुस्ताखी। नवाब साहब, बारह माफी का खासकार हूँ मैं, वो मेरी इतनी बेइज्जती की गई है कि मैं अपने होश में नहीं हूँ। सरकार इजाजत चाहता हूँ, मुझे वहाँ काम नहीं करना जहाँ बुजुर्गों की दाढ़ी से छेड़खानी की जाती हो। बंदगी अर्ज करता हूँ हुजूर, आपको भी छोटे सरकार। यह दाढ़ी नोचने का शौक कब से हुआ? अबू सरकार, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी नहीं थी तो और क्या था? वो तो उसने अपनी बात रखने के लिए अपने बाप की आंखों में धूल झोंकना भी सीख गए, नालायक। जावेद, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। किसी को नौकर की जरूरत है? ये ले जावेद के साले। हराम उद्देर तूती है मन मर हस यक तूती अंदर कफस के नदी दे आस लिखर गुस्ती। शब्बा खैर मियाँ, मैं इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। फिरदौस जी भाईजान, हम खूब जानते हैं कि तुमने पियानो क्यों बजाया। सच भाईजान? भाई मियाँ, ये क्या हुलिया बना रखा है? इस तस्वीर से पूछो। अरे ये तस्वीर कहाँ से लाए? जन्नत से, जन्नत की हूर है ये। अच्छा, तब तो इसका नाम भी जन्नत जैसा होगा, जरूर इसका नाम फिरदौस है। अमर तुमने तो कमाल कर दिया ये। आहा, कमाल वमाल कुछ नहीं, ये तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी दवाई का वक्त हो गया। ओह नर्स, क्या ये दवा मैं दूध की बजाय पानी के साथ नहीं ले सकता? अख्तर नवाज, देखो कौन आए हैं। जावेद। जावेद मियाँ, अरे सलाम वलाम छोड़िए और सीने से लग जाइए। हुजूर की रात तकते तकते हम परेशान हो गए थे, कहाँ थे इतने दिन? माफी चाहता हूँ, बस फिरदौस की तलाश में भटक रहा था। आप हमारे पास चले आते, हम आपकी जन्नत को यूं ढूंढ निकालते। नवाज़ का शुक्रिया नवाब अख्तर नवाज साहब। अम्मा ये तकल्लुफ कैसा, आप हमें अख्तर बुलाइए, और याद रखिए जिंदगी में कभी भी आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो बेखौफ चले आइए, आप हमारी जान भी मांगेंगे तो बखुदा हम कभी इनकार नहीं करेंगे। नर्स अम्मी जान, दूध को जुटला दीजिए। दूध को जुटला दूं? क्यों अम्मी जान? जावेद मियां, आधा दूध आप पीजिए। अम्मी जान,
जिस तरह सीता जी के दो बेटे थे लव और कुश, वैसे आज से आपके भी दो बेटे हैं, अख्तर और जावेद। अख्तर, खुदा करे तुम दोनों को मेरी उम्र लग जाए। कादर मियां, शरबत ले आइए। मैंने कहा सरकार, ऐसी भी क्या बेरुखी, क्या आपकी तस्वीरें भी मुंह मोड़ लिया? अरे कमाल करती है बाबा, ये शैतान हो गई है निशाद। अरे दिलू, ओ दिलू, सुनिए, कौन है आप? हमने आपसे पूछा मोहतरमा, कौन है आप? ये तस्वीर कहां ले जा रही हैं आप? जवाब दीजिए, वरना मुझे आपका नकाब उलटने की गुस्ताखी करनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हम खुदा के कभी कायल न थे, तुमको देखा तो खुदा याद आया। इजाजत चाहती हूं। आदाब। ये तस्वीर मत ले जाइए, ये तो मेरी बेचैन घड़ियों का सहारा है। अगर ये तस्वीर यहां रही तो मैं रुस्वा हो जाऊंगी। आपको अपनी रुस्वाई का बड़ा ख्याल है, मेरी मोहब्बत का बिल्कुल ख्याल नहीं। मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? इकरारे मोहब्बत। बहुत खूब फिरदौस दी, आई थी तस्वीर लेने और दिल देकर जा रही हैं। ओफो, मुझसे मुंह छुपाया जा रहा है? जिनसे मुंह छुपाना चाहिए था उनसे तो आंखें लड़ाई जा रही थी। नहीं दिलू, ये दरअसल फिरदौस जहां तो हमें ईद की दावत देने आई थी। अच्छा। मोहतरमा फिरदौस जहां, हम आपसे ईद मिलने जरूर आएंगे। मोहतरमा, बेअदबी की माफी चाहता हूं। अरे आदाब, ये बुरका पोश मोहतरमा कौन थी? तस्वीर वाली। हंटर वाली की बहन तस्वीर वाली? जी नहीं, छड़ी वाले की बहन तस्वीर वाली। आपका बरजस्ता मजाक हमारी समझ में नहीं आया, जरा सलीस जबान में समझाइए, इनायत होगी। आपकी बहन की तस्वीर आपकी बहन लेकर भाग गई? तो दस्तूर भी है। इश्क़ इस तरह की गुस्ता दखा दे,
गुरूरे हुस्न के सदके मोहब्बत यूं नहीं करते, गुरूरे हुस्न के सदके मोहब्बत यूं नहीं करते, गुरूरे हुस्न के सदके, गुरूरे हुस्न के सदके मोहब्बत यूं नहीं करते, नहीं करते, हाँ नहीं करते। बड़ी महफिल में जाहिर, बड़ी महफिल में जाहिर, दिल की वहशत नहीं करते, बड़ी महफिल में जाहिर, बड़ी मोहब्बत यूं नहीं करते, भरी महफिल में जाहिर, दिल की वहशत हाँ शरारत, हाँ हाँ शरारत का, किसी की जान पे बन जाए, किसी की जान पे बन जाए शरारत यूं नहीं करते, किसी की जान पे बन जाए शरारत यूं नहीं करते। जिसे तुम हुस्न कहते हो, कहते हो जिसे तुम हुस्न कहते हो, जिसे तुम हुस्न कहते हो, जिसे तुम हुस्न कहते हो, वो हमारे निगाहों का, निगाहों का, निगाहों का अदब लाजिम है, लाजिम है अदब, लाजिम है काबे की जियारत यूं नहीं करते, अदब लाजिम है काबे की जियारत हुस्न की खैरात दे दो हम फकीरों को, 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 किसी साहिल को अपने दर से, किसी साहिल को अपने दर से रुखसत यूं नहीं करते, किसी साहिल को अपने दर से रुखसत यूं नहीं करते। शर्म को हम आया, शर्म को हम हुस्न का जेवर समझते हैं, कहना भी
भी कुछ बुरा तो नहीं कि ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम। रस्म दुनिया भी है माफा भी है दस्तूर भी है माफा भी है दस्तूर भी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमने बड़े बड़े नामचीन कव्वालों को सुना, लेकिन तुम दोनों की कव्वाली में लखनऊ की गली कूचों की खुशबू है। जज़ाक अल्लाह, वाह। लीजिए अबू सरकार, ये कोई कव्वाल बव्वाल नहीं है, ये तो नवाब साहब, ये दोनों बड़े जिगरी दोस्त हैं। जी सिकंदर मियां ने जावेद को ईद की दावत नहीं दी थी, इसलिए जावेद मियां सिकंदर को चिढ़ाने के लिए कव्वाल बनकर आ गया। अच्छा, बड़ा शरीर है मेरा भांजा। आपका भांजा? जी हाँ, मेरा भांजा मरहूम नवाब इफ्तिखार अली के फर्जंद। अच्छा, जावेद मियां नवाब सैयद अली मरहूम के पोते हैं। माशा लाला जी। जी मैं जी लाला जी जी नमस्ते जी। मेरा नाम है लाला सी एच सी एच सी एच, यानी कि लाला चौधरी चंपालाल चड्डा। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जरा मुझे ये वाली चूड़ियाँ दिखलाइए। जी जरूर जरूर। हाँ लाइए, पहना दो। जी नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। चूड़ियों में भी जान पड़ गई। जी सुना आपने, चूड़ियां भी बोलने लगी। ये गुलूबंद दिखाइए। और वो जुगनू भी। जी सुभान अल्लाह। जी गुलबन की तारीफ। तारीफ अपने पास रखिए, जुगनू दीजिए। इनके दाम? दिल जैसा अनमोल रतन, जब भी बिका बेदाम बिका। क्या कहा आपने? देखिए जुगनू दिल के कितना करीब है, दिल की धड़कन से बेचैन हो जाता है, इसीलिए जुगनू का दूसरा नाम धकधकी है, और आज मैंने इसका तीसरा नाम रखा है, दिल का अनमोल रतन। जुगनू और चूड़ियों के दाम? दाम वो 4,700। ये लीजिए। शुक्रिया नवाब साहब, आपने 500 रुपए ज्यादा ले लिए उस लड़की से। ज्यादा ले लिए? ये लीजिए। सुनिए 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 मोहतरमा। जनाब अख्तर नवाब साहब। जावेद जी आदाब। आप सड़क पर किसे पुकार रहे थे? क्या बताऊं यार, मुझसे एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। बेवकूफी? बड़े लोगों से छोटी बेवकूफी थोड़ी होगी। कहाँ जा रहे थे? यही सिनेमा देखने। सिनेमा को मारो गोली और मेरे साथ चलो, वो जिंदा तिलस्मात दिखाऊंगा कि तबीयत झक हो जाएगी। अच्छा? चलो। सालगिरह मुबारक हो, जितने का यह हार है उतने ही दिन जियो। कितने का है ये हार? 50,000। तौबा तौबा, मैं इतने दिन जीना नहीं चाहती। मेरी जानिब से सरकार ये हार अपनी बेगम को पहना दीजिए।
अम्मा छोड़ो, उनकी गर्दन न मेरी बाहों के लायक है और न इस हार के काबिल। जब तुम यह हार पहनकर नाचोगी तो बिजली बन जाओगी और यह बिजली गिरेगी मुझ पर और मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊंगा। अल्लाह ना करे ये मुसीबत मुझ पर नाजिल हो। अब आप तशरीफ ले जाइए, हुस्ना ने नाचना गाना छोड़ दिया है। आज मैं अपना समूह लेकर नहीं जाऊंगा। आज तुम नाचोगी गाओगी, ये हुस्ना के दीवाने की जिद है। हुस्ना भी बहुत जिद्दी है, अगर वो नाचेगी तो उनके लिए, गाएगी तो उनके लिए। उनके लिए ये हजरत कौन है? अच्छा, ये अख्तर नवाज का दूसरा नाम है जो आपने रखा है जी। क्या वो तुम्हारे उनके लिए आज नहीं आएंगे गाना सुनने? वो तो आ भी चुके हैं। आ चुके, मगर कहां? आपकी नजरों के सामने। भाई मजाक छोड़ो, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देते, क्या कहीं छुपा कर रखा है? वो तो सामने खड़े हैं। किधर? सरकार, उन्हें देखने के लिए मेरी आंखें चाहिए। जब भी मेरा दिल उन्हें देखने के लिए तड़प उठता है तो वो फौरन मेरे सामने जलवानुमा हो जाते हैं। वो देखिए, वो आ गए, वो आ गए।
वाह, दीवानगी की भी हद है। क्या प्यार से तुम नाची हो गाई हो उनके तसव्वुर में। आपकी नजरों की भूल है, वो तसव्वुर नहीं था, हकीकत थी। हकीकत? जरा अपनी आंखें देना मुझे। दूल्हे भाई, आदाब। अख्तर नवाज, तुमने हमारी हुस्ना को हमसे छीना है और इसका अंजाम बुरा होगा। बाजारे हुस्न के तमाशाइयों का अंजाम भी बुरा है और आगाज भी बुरा। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। हुस्ना, सालगिरह मुबारक हो। ये गुलाब का फूल हुस्ना के लिए आबे हयात से कम नहीं। माफ करना हुस्ना, मैं भूल ही गया था, ये वही जावेद साहब है। अच्छा, इस कनीज पर आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपने इस कनीज को दूसरी जिंदगी दी है। चलो चलो यहाँ से। हजूर, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो तशरीफ लाए हैं। बड़ी मुश्किल से इन्हें ऊपर लाया हूँ, बाजारे हुस्न की रौनक देखकर घबरा गए थे। जी नहीं मैम, मैं तो इन्हें बाजारे हुस्न में देखकर परेशान हूं। हुस्ना, अगर हम अपनी जुबानी अपनी और कोठी की कहानी सुनाएंगे तो इन्हें यकीन नहीं आएगा। हमारी दरखास्त है कि तुम अपनी ही जुबानी हमारी और इस कोठी की कहानी सुना दो। आपका हुक्म सर। आंखों पर नवाब जहांगीर। क्या है? 50,000 रुपए। वो तो मैं दे चुका। वो असल था, मैं सूद की बात कर रहा हूं। जब तक आप जिंदा हैं मैं सूद वसूल करता ही रहूंगा। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी पुलिस कमिश्नर के पास। पुलिस कमिश्नर के पास जाने से पहले अपने घर वालों से मिल तो लीजिए। कौन हो तुम? जी मैं नवाब अख्तर नवाज का ड्राइवर हूं। चलो भाग जाओ यहां से। ये एक नवाब, एक रक्कासा और उसकी कोठे की कहानी है। तो क्या आप हुस्ना से निकाह करेंगे? नहीं, हुस्ना ने निकाह के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हुस्ना कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती जो महबूब हुस्ना की शान के खिलाफ हो। हुस्ना को अपने महबूब से इश्क है और हुस्ना इश्क के महबूब के नशे में चूर है। हुस्ना जी, हम एक मजबूरी की वजह से इस कोठे पर आए थे जी। इस कमरे के सिवा हमने किसी दूसरे कमरे में अपना कदम तक नहीं रखा जी। हमने आज तक तुम्हारे जिस्म को छुआ तक नहीं जी। एक दिन हम किसी ऊंचे नवाब खानदान की लड़की से शादी करेंगे जी। और हम शादी के बाद फिर कभी इस कोठे पर नहीं आएंगे जी। तो इसके बाद आपने अपने लिए क्या सोचा? वक्त के साथ साथ बड़े बड़े गहरे जख्म भी भर जाते हैं। चलो जावेद भैया, रात बहुत हो गई, अम्मी जान परेशान हो रही होंगी। छोड़ दो इसे। पचास हजार और देते हो या तुम्हारे बीवी बच्चों को ले जाऊं? ठहरो, अब भी लाता हूं। ठहरो।
लो सबको, ले चलो। अरे रिंकू पिंकू, अख्तर नवाज, क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? दूल्हे भाई, शुक्र है अल्लाह का। जावेद, अब अख्तर, अरे तुम यहां कैसे? चलो जल्दी चलो। कहां? आफ्ताब बाबा के मजार पर, बाहर गाड़ी में अम्मी जान इंतजार कर रही हैं। मगर अचानक मैं काम छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे जनरल मैनेजर श्री प्रसन्न कपूर से तुम्हारे लिए 6 दिन की छुट्टी ले ली है। आफ्ताब बाबा गंजेनूर, तूने एक दुखिया मां की पुकार सुन ली। तेरे कर्म से मेरी बेटी के आंगन में खुशियों की धूप उतरी है। अब मैं तुझसे यही दुआ मांगती हूं बाबा, मेरी बेटी के आंगन की धूप कभी नहीं ढले, उसका मियां जहांगीर सूरज की तरह घर से निकले और चांद की तरह वापस लौटे। चलते चलते हमारे पांव सूज गए, अब हमसे और चला नहीं जाता, चलिए डेरे वापस चलते हैं। हाँ मुमानी जान, अभी अभी तो आए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं देखा। तुम लोग घूमो, अच्छा। हमें तो आप पड़ाव वापस ले चलिए। इतने बड़े मेले में लड़कियों को अकेले कैसे छोड़ दें? आधा वर्ष करता हूँ क्या नवाब साहब। जावेद मियाँ, मन्नत उतारने आए हैं या मांगने? अभी तक तो कोई इरादा नहीं था नवाब साहब, लेकिन अब सोचता हूँ जब आ ही गया हूँ तो आफ्ताब बाबा के दरबार से कुछ मांग ही लूँ। पता नहीं आज गले को क्या हो गया है। पड़ाव पर चलकर गरारे कर ले। हाँ। जावेद मियाँ, ये हमारी भांजियाँ हैं, ईरान से आई है। फिर दो जहाँ तो कह रही थी ईद के दिन क्या कव्वाली गाई है आपने, यानी कि कव्वालों के कब्र पे झंडे गाड़ दिए थे आपने। ये वही है ना। जावेद मियाँ, चलते चलते इनके पैर सूज गए, मैं जरा बेगम साहिबा को पड़ाव पर पहुँचा कर अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी भांजियों का दिल बहलाइए। कैसे मिजाज है जनाब? ये तो ठीक है ना, घरवाली तो ठीक है। ये जावेद मियां कहाँ चले गए? न जाने कहाँ खिसक लिए। मेरे आराम का वक्त हो गया, मैं डेरे पे जाती हूँ, तुम और जावेद मियां साथ में आ जाए। जी अम्मी जान। फिरदौस जी, आफ्ताब बाबा के दरबार से क्या मांगा तुमने? मैंने मांगा सबकी मुरादें पूरी करने वाले मेरे महबूब की मुराद पूरी करना। और आपने क्या मांगा? अभी तक तो कुछ मांगने का इरादा नहीं था, लेकिन अब जरूर मांगूंगा। क्या मांगेंगे आप? मैं मांगूंगा या पीर दस्तगीर, मेरे महबूब का हाथ कभी मेरे हाथ से जुदा ना करना। हाय अल्लाह, कोई देख लेगा। किसी ने कुछ नहीं देखा। तुम लोग अपने अंदर जाओ। फेरो लल्ला, अब्बा हुजूर से कुछ नहीं कहना, तुम्हें हमारी कसम। ये चुड़ैले सूखी कसम पर टलने वाली नहीं, रिश्वत देनी होगी। मंजूर, बोलो क्या लोगी? तुम्हारे महबूब का एक एक गर्मा गर्म बोसा हम सबको। बेशरम। क्या क्या कहा जावेद भैया ने? अरे अंधे हो क्या? अब बिगड़ो देखो बीबी, ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? शर्म तो खुद औरत जात है और आके हमको परेशान करती है। बेहुदा कहीं के। कसम अल्लाह की गब्बर नवाब, बड़ी फुर्सत में बनाया है अल्लाह ने। माफ कीजिए आप। खुदा के लिए मुझे उस लफंगे से बचाइए, जिधर जाती हूँ वो रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। देखिए वो इधर ही आ रहा है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे पहचाना या नहीं, मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था कि आप वही हैं। लखनऊ में भी अचानक ही मिलना हुआ था और यहाँ भी अचानक मुलाकात हुई, कातिबे तकदीर ने
इन अचानक मुलाकातों का मतलब कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। याद कीजिए, पहली बार आपकी और मेरी मुलाकात जौहरी की दुकान पर हुई थी और आपने मुझे जौहरी समझ लिया था। और बड़े मजे की बात तो यह है कि मैंने आपसे 500 रुपए ज्यादा ले लिए थे। ये लीजिए अपने रुपए। जरा ठहरिए, मैं जरा इनकी मिजाज पुरसी कर लूं। हाँ, अभी आया। आदाब। यू नहीं मिया, यू। शामत बुलाई है। शामत भी तो औरत जात है जो बिन बुलाई चली आती है और हड्डी पतली तोड़ के जाती है। बदमाश ने असली बदमाश को तो खत्म कर दिया, अब वो हमारी तरफ आने वाला है। हा? चलो भाग चले यहाँ से। आइए नवाब साहब, आइए। अचानक दरगाह से कहाँ गायब हो गए थे हजरत? कसूरवा बड़े हजरत, आना ना होगा, चाकू फेंक दीजिए। ये चाकू आपके लिए नहीं, एक हसीन मुलाकात की यादगार है। हमार नवाब साहब, हसीन मुलाकात की यादगार महकते रुमाल हुआ करते हैं या कांधे पे रेशमी जुल्फ का एक तार, ये खूंखार चाकू कैसे हो सकता है? बिरादर, इसी चाकू वाले से बचाते बचाते वो हमारे दिल पर छुरियां चला गई। तो जनाब घायल होके लौटे हैं? मुबारक हो, मुबारक। कौन है वो खातून? कौन का इल्म नहीं, पूछिए क्या है। चांद का टुकड़ा, हुस्न की मलिका, रश्के हूर, जलवाए तू। वाह, हमने तैयारी कर ली है, आज ही लखनऊ लौट चले। आज ही? लेकिन अम्मी जान, अभी तो उर्स खत्म नहीं हुआ। हमने मन्नत पूरी कर ली, अब रुकने से क्या फायदा? बड़ा फायदा है, वो इन्हें कुछ कर गुजरना है। क्या जी? वो उर्स कमेटी ने गुंडा बंदोबस्त का चेयरमैन मुझे बनाया। जी हाँ। अगर आपको लखनऊ वापस लौटना ही है तो आप जावेद मियां को ले जाइए। जी, इनका दिल लखनऊ में अटका हुआ है। बिरादर, अब नहीं। मजार पर दुआ मांगने के बाद जैसी दूसरी तरफ झांका तो लखनऊ वाली रौनक उसमें दिखाई दी थी। अमा सच जनाब। तुम दोनों भाई कुछ दिन यहीं ठहरो, मैं कुछ मुलाजिमों के साथ लखनऊ चली जाती हूँ। जी, बाकी के मुलाजिम यहीं रहेंगे। तो जनाब लखनऊ वाली रौनक टटोलने के लिए मजार से खिसक लिए थे। हुजूर मुबारक हो, दोनों तरफ है आग यक तरफा लगी हुई। हुजूर की आग यक तरफा होगी, इधर दो तरफा बराबर की आग लगी हुई है। आग? कैसी आग जावेद मियां? जी जी, वो मिजूर अख्तर भाई कह रहे थे कि मेले में जो आग भड़की इतनी पुरजोर के बुझाए ना बने। अच्छा, तो गालिब वाली आग है। जो लगाए ना लगे और बुझाए न बने। जी जी, ये लो संदूक की चाबी है, मैं चलती हूँ। सुनो बेटे, उस आग का नाम और पता लेकर ही लखनऊ लौटना, ताकि सुनी हवेली में जल्द उजाला हो जाए। ताकि आपके कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आगे। जनाबे जावेद, हजूर है अख्तर, तलाशे महबूबा शुरू की जाए। फौरन से पेशतर, हमारी राह इश्क इस तरफ और हमारी राह इश्क इस तरफ। बिस्मिल्लाह, जज़ाकअल्लाह। फिरदौस, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे हाँ, एक मजेदार बात बताना ही भूल गई। कल उर्स में हमारे साथ एक अजीब किस्सा हुआ। बात टालने की कोशिश मत करो, जवाब दो। उसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? तो फिर और कौन देगा? अब्बा जान, पहले तुम हाँ करो तो मैं नवाब साहब के बचाऊ। मेरे हाँ कहने से क्या होगा, पहले अब्बा जान की हाँ बहुत जरूरी है। तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। क्यों? अगर अब्बा जान को मंजूर न हुआ
तो वो मुझे आज ही यहां से ले जाएंगे और फिर मैं आपको कभी नहीं मिल सकूंगी। आदाब। गुम होने से पहले ढूंढने का तरीका तो बता देती। मैं बहुत नादिम हूं, कल आपका शुक्रिया भी अदा ना कर सकी। ऐसा कीजिए, शुक्रिया को हर अगली मुलाकात पर उठा रखिए, क्योंकि तकरीब कुछ तो बहरी मुलाकात चाहिए। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूं उस गुंडे का। खुदा गारत करे उसे, मेरा तो हॉल के मारे बुरा हाल था, खुदा ना खास्ता आप घायल भी हो सकते थे। घायल तो हुआ, तो मेरी अम्मी सरकार ने कहा जरा नाम और पता तो मालूम करो उस लड़की का। मैं जाती हूँ उसके वालिद के पास फरियाद लेकर, पर हमें दीदार मांग लाती हूँ। बातें आप अच्छी करते हैं। मेरी बातें अभी आपने सुनी कहाँ, किसी दिन आराम से बातें करूंगा तो आप कहेंगी जिंदगी भर बातें किए जा तू। मैं तो आपको तू कभी नहीं कह सकती। आप जिस नाम से चाहे पुकारे, जिस अंदाज में चाहे आवाज दें, बंदा हाजिर हो जाएगा। जावेद। अख्तर आओ। मल्ला, दिल क्या टोपी तक उछल रही है? यानी मुलाकात हुई? शुक्रिया और ललकार के साथ। आपको दीदार हुए? छेड़छाड़ और इकरार के साथ। यानी आप वाली भी शोक हसीना है। हुस्न परियों का है तो नजाकत फूलों की, ऐसा हुस्न आपने कभी देखा ना होगा। अजी छोड़िए भी, एक बार हमारी महबूबा को देखिए तो जरा। परी का हुस्न भी है, फूलों की नजाकत भी, लहरों की जवानी भी, उनके सामने आप वाली टिक न सकेंगी। लगती है शर्त? लगा लीजिए शर्त, लेकिन नजर मत लगाइएगा हमारी सरकार को देखते ही। हुजूर नजर तो आप लगाएंगे, डरे कहीं दोस्त से रकीब न बन जाए। हमारे दिलदार ने कयामत का हुस्न पाया है। क्यों खामोश हो गए? मेरे दिलदार का बाकपन, हाय बाकपन, होए बाकपन, अल्लाह अल्लाह। मेरे दिलदार का बाकपन, अल्लाह अल्लाह, चांदनी से तराशा पतन, अल्लाह अल्लाह। देख कर जिस पहुरे भी सजदा करें, हाँ सजदा करें, हाय हाय सजदा करें, वो मेरी नाजनी, वो मेरी नाजनी गुलबदन, अल्लाह अल्लाह। उस हसी महजबी की भवन, अल्लाह अल्लाह, फूल से होंठ रेशम सा तन, अल्लाह अल्लाह। मेरे दिलदार का बाकपन, अल्लाह अल्लाह। कनखियों से उनका हमें देखना है, हमें देखना है, हमें देखना है। जब से उसे देखा है दीवानों सी हालत है, बेताब है हर धड़कन, बेचैन तबीयत है। वो सर से कदम तक एक महकी हुई जन्नत है, छूने से बदन मसके इस दर्द नजाकत है। उपकार करिश्मा है, रफ्तार कयामत है, दुनिया में वजूद उसका कुदरत की इनायत है। वो जिस पे करम कर दे वो साहिद किस्मत है, वो कनखियों से उनका हमें देखना है, हमें देखना है, हमें देखना। तीर तिरछे, वो तीर तिरछे चलाने का फन, अल्लाह अल्लाह।
सिर तिरछे चलाने का फन। अल्लाह अल्लाह मेरे दिलदार का बागपन। अल्लाह अल्लाह जिस हुस्न के जलवों पर दिल हमने लुटाया है वो हुस्न जमीनों पर तकदीर से आया है। कुदरत ने बदन उसका फुरसत से बनाया है सौ तरह के रंगों से हर अंग सजाया है। घनघोर घटाओं को जुल्फों में बसाया है बिजली के तबस्सुम को नजरों में भुलाया है। महके हुए फूलों को सांसों में रचाया है सादगी में छुपा शौकियों का समा शौकियों का समा शौकियों का समा शौकियों में वो शर्मीलापन। अल्लाह अल्लाह शौकियों में वो शर्मीलापन। अल्लाह अल्लाह मेरे दिलदार का पागलपन। अल्लाह अल्लाह पन, आँखों में शराबी पन, गर्दन का वो खम है होठों का वो नम है डाली सी कमर तौबा बरछी सी नजर तौबा करती हुई बाहें हैं मखमूर निगाहें हैं। जालिम है हया उसकी बातिल है अदा उसकी मस्ती से भरी है वो एक सब्ज परी है वो चांदी के खिलौने सी फूलों के बिछौने सी चांदी के खिलौने सी फूलों के बिछौने सी गालिब की गजल जैसी मुमताज महल जैसी करके दीदार यार आज दिल झूम उठा आज दिल झूम उठा आज दिल झूम उठा। नूर से भर गए नूर से भर गए जानो तन। अल्लाह अल्लाह नूर से भर गए जानो तन। अल्लाह अल्लाह मेरे दिलदार का बागपन। है बागपन है बागपन। अल्लाह 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 अल्लाह। कब कल जनाबे अख्तर। हुजूर जावेद तलाश महबूबा शुरू की जाए। फौरन से पेशतर तो हमारी राह इश्क इस तरफ और हमारी राह इश्क इस तरफ। बिस्मिल्लाह जज़ाकअल्लाह। अपना नाम और पता तो बता दीजिए। नाम और पता जानकर क्या करेंगे? बारात लेकर आऊंगा आपके घर। मैं इनकार कर दूंगी। मैं जान दे दूंगा। जान देने वाले सुने बहुत है लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे देखेंगी आप? मैं शादी करूंगा तो आपसे। अगर आपने किसी और से शादी की तो खुदा की कसम मैं जान दे दूंगा। तो फिर देर किस बात की है, अभी जान दे दीजिए। मैं तो किसी और से शादी करने वाली हूँ। बहुत हसीन है वो आपसे कहीं ज्यादा। हाय माशूक हो तो ऐसा ताई की तरह मेरे पीछे लग गया है।
मेलों ठेलों में अक्सर यही होता है, बुजुर्ग ज़ियारत करने आते हैं, नौजवान आके सेकने। अरे सारी हरकतें बताऊंगी तो हंसते हंसते लोटन कबूतर बन जाओगे, लेकिन ये कुछ स्पेशल किस्म का दिल फेंक लगता है। फेंकने के लिए क्या आपने सारे खानदान के दिल उठा लाया या कमबख्त? सिर्फ खानदान ही नहीं, अड़ोस पड़ोस वालों के भी, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी, बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ा कर आई है। अच्छा, जरा सुना दो किस्सा, और क्या कहा उसने? और कहने लगा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं जहर खा लूंगा। तुमने उसे चांटा नहीं मारा? दीवानों के मुंह नहीं लगते, पता नहीं किस वक्त क्या कर बैठे। जावेद, जावेद, आओ। अरे हमारे दोस्त से क्या शर्माना। जावेद, ये हमें देखकर छुप क्यों गई? शायद आपकी हुस्न की ताब न ला सकती हो। मजाक छोड़ो, मुलाकात तो करवा दो ना। फिरदौस, हमारे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम खुद ही आपसे मुलाकात कर लेते हैं। हाँ, आदाब। अरे हमसे पर्दादारी कैसी? आप हमारी भाभी जान बनने वाली हैं, हमारे भाई की जान। फिरदौस, नकाब उलट दो, ये हमारे बड़े जिगरी दोस्त है नवाब। दोस्त ही नहीं, जावेद हमारी जान है। अगर जावेद मियां कभी हमारी जान भी मांगेंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे। ये क्या फिरदौस? हंसिए, खूब हंसिए, दिल खोलकर हमारा मजाक उड़ाइए, हंसिए। जावेद मियां बड़ी तारीफ करते हैं आपके हुस्न की, मगर हम कहते हैं कि हमारी महबूबा से बढ़कर दुनिया में कोई हंसी नहीं, खुदा ने अपने हाथों से बनाया है उसे। वैसे आप भी हंसी होगी, लेकिन हमारी महबूबा से बढ़कर नहीं। फिरदौस, इस बात पर हम दोनों की शर्त लगी है, जरी नकाब उलट दो ताकि तुम्हारे हुस्न की ताब ना लाकर इनकी आंखें हमेशा के लिए चुदिया जाए। भाग गई? क्या फुसफुसा रही थी तुम्हारे कान में? फिरदौस चाहती है कि शर्त का फैसला उसी वक्त हो जब आपकी महबूबा उसके करीब हो और दोनों एक साथ नकाब उलटे। ठीक है। अम्मी जान, अम्मी जान, वो लड़की मिल गई। कौन सी लड़की? वही जिससे मैं शादी करूंगा। शुक्र है खुदा का। देखने में कैसी है? देखने में चौदहवीं का चांद है अम्मी जान, चौदहवीं का चांद। क्या नाम है उसका? अम्मी जान उसका नाम? मैं भी नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। तब तो वो बहुत ही खूबसूरत होगी। जो मेरा बेटा उसका नाम पूछना भूल गया, उसके वालिद साहब का क्या नाम है? ये भी नहीं जानता। लखनऊ के किस मोहल्ले में उनकी हवेली है? उफ, ये भी नहीं जानता। तो फिर जानता क्या है? सिर्फ इतना जानता हूँ अम्मी जान, अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। सरकती जाए है, सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता कर लिया पर्दा, हो हया
तक लात आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब। सिकंदर मियां से कहना ईरान में लड़कियों के पहुंचने का तार भेज दे। जावेद साहब कैसे आना हुआ? दुश्मनों के मिजाज तो अच्छे हैं ना? जी वो सिकंदर नवाब के साथ जरी सा काम था, फिरदौस से पता चला कि वो घर में नहीं है, इजाजत चाहता हूं। ऐसे भी जल्दी क्या है, कुछ चाय वाय हो जाए, इधर उधर की गपशप हो जाए। जी इस वक्त इजाजत ही दे कबला, वैसे एक दरखास्त लेकर दो चार दिन में हाजिर होने ही वाला हूं। फिरदौस। जी अबू। फिरदौस जरा गरम गरम चाय भिजवा देना, बहुत तलब हो रही है। जी अबू आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो डर रही थी बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा होगा।
इससे पहले कि हवाएं आंधियां बन जाएं, उनके रुख बदल देने चाहिए ताकि वो तूफान ना बन सके। हुस्ना, आप कब तशरीफ लाए? हुस्ना, हमें एक लड़की से इश्क हो गया है। मुबारक हो। हम उस लड़की से शादी करेंगे। मुबारक हो। हुस्ना, आज हम आखिरी बार तुम्हारे पास आए हैं। ये कनीज की खुशकिस्मती है, फिर कभी नहीं आएंगे। आपकी खुशी में ही हुस्ना की खुशी है। हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारे पास 20,000 रुपया पहुंच जाया करेगा। हजूर, हुस्ना ने दौलत बहुत देखी है, मगर आप जैसा इंसान नहीं देखा। आपको जिस बात का डर है उसे दिल से निकाल दीजिए। नवाब जहांगीर के लिए इस कोठे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मगर हुस्ना, तुम्हें रुपए लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। हम खुशी से देना चाहते हैं। हुजूर, हुस्ना ने मोहब्बत की है, ताश के पत्ते नहीं बांटे जिसे आप दाव लगाकर जीतना चाहते हैं। हुस्ना रक्कासा जरूर है, मगर एक रक्कासा भी सीने में दिल रखती है, और वो दिल रक्कासा किसी पर कुर्बान कर चुके हैं। आप शौक से शादी कीजिए। हुस्ना को अपने महबूब से कोई शिकायत नहीं। अरे हाँ, इस रक्कासा को शादी की दावत देना मत भूलिएगा। हुस्ना, हमें शर्मिंदा मत करो। ना सही, मगर हुस्ना उस रोज नाचेगी गाएगी, और वो मुजरा हुस्ना की जिंदगी का आखिरी मुजरा होगा। हुस्ना जी, महबूब है हुस्ना, खुदा तुम्हें सलामत रखे। नवाब साहब, आप और यहां आइए, आइए तशरीफ रही, आइए। जावेद मियां, फिरदौस का ख्याल दिल से निकाल दो। क्या जी? मैं समझा नहीं नवाब साहब। फिरदौस की शादी आपसे नहीं हो सकती। फिरदौस की शादी? मगर क्यों? इस बात का जवाब देना हमारे लिए मुश्किल है। मैं आपको इज्जत की निगाहों से देखता आया हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बात आपको नागवार गुजरे और आपका दिल टूट जाए। दिल तो आपके पहले जुमले से ही टूट गया है नवाब साहब। जो कसर बाकी रह गई है वो मेरा जुर्म बताकर पूरी कर लीजिए, इनायत होगी। जुर्म तुम्हारा नहीं जावेद मियां, हमारा है। हम एक बेदाग और चंगेजी खानदान की रवायतों के वारिस हैं, और आपके खानदान के चांद में जरा सा ग्रहण लगा हुआ है। कोई ग्रहण नहीं लगा हुआ मेरे खानदान के चांद में नवाब साहब। मेरे दादा मरहूम ने मोहब्बत जरूर की थी, और उस मोहब्बत पर अपने खानदान की मुर्दा रिवायतों को कुर्बान कर दिया था। लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी का किसी ऐसे आदमी से ब्याह नहीं करूंगा जिसकी रगों में दौड़ने वाला खून खालिस न हो। नवाब साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं। नवाब साहब, किसी को जलील करके हमें राहत नहीं मिलती जावेद मियां, हम मजबूर हैं। एक इल्तिजा लेकर आपके पास आए थे, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी, लेकिन फिरदौस से आपकी शादी नहीं होगी। नवाब साहब, मेरा फैसला भी सुनते जाइए, फिरदौस और मेरी शादी जरूर होगी। जावेद, क्या रास्ता ढूंढा है अंदर आने का?
आज कोई नई शरारत सूझी है क्या जो तशरीफ खिड़की से आई है? जब तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या करता? मगर तुम इतने परेशान क्यों हो? ये सोचकर परेशान हूं कि अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत की कीमत लगानी पड़ी तो क्या दाम लगाओगी? मेरे पास अपनी जान के सिवा है ही क्या, वही लगा दूंगी। और अगर तुम्हारे अब्बू सरकार ये कहें कि जावेद के खानदान में कोई खोट है तो? वो ऐसा कह ही नहीं सकते। क्या उन्होंने ऐसा कहा? ये हो ही नहीं सकता जावेद, मुझ में तो उनकी जान है, मेरी खुशी उन्हें किन ही दामों सस्ती लगेगी। तो चलो मेरे साथ अपने अब्बू सरकार के पास। चलो, मैं अब्बू से जाकर अभी कह देती हूँ कि खानदान से मुझे क्या लेना देना, मैं जावेद से प्यार करती हूँ, जावेद में तो कोई खोट नहीं है। जावेद साहब, आप यहाँ क्यों आए? फिरदौस से ये पूछना था कि क्या मेरे खानदान की खोट पे इन्हें भी एतराज है? जावेद मियां, हमारी मजबूरी ये है कि हम नौकरों को हुक्म देकर आपको हवेली से निकलवा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उनके खामोशी ने आपके इस कमरे में होने की वजह पूछी तो हम क्या जवाब देंगे? आप नौकरों के सामने अपनी झूठी इज्जत का सर बुलंद रखने के लिए अपनी बेटी की मोहब्बत का गला घोटने पर तैयार हैं? खामोश। फिरदौस, जाने पिदर, तुम्हारे ख्वाबगाह में गैर मर्द को देखकर आज हम अपने बुजुर्गों की निगाहों से गिर गए। तुम इनसे कहो कि यहां से चले जाएं, वरना हम जान ले लेंगे। मौत की धमकी ना दीजिए नवाब साहब, मैं यहां अपनी जान पर खेली कर आया हूं। हम बूढ़े हुए जावेद मियां, खेलने की हमारी उम्र नहीं, मगर हम चंगेजी खानदान की रवायतों के वारिस हैं। हम फिर कहते हैं चले जाइए, नहीं तो जान लेने के सिवा आप कर भी कह सकते हैं तो फिरदौस के बिना जीना मंजूर किसे? चलाइए गोली नवाब साहब, मार डाली मुझे। खुदा की कसम, हम आपका यह शौक जरूर पूरा कर देते, मगर अपनी कुंवारी बेटी की ख्वाबगाह से किसी गैर मर्द की लाश हम नहीं निकलवा सकते। हम खुद अपने हाथों अपने खानदान को बदनामी का यह कफन नहीं पहना सकते। तुम हमारी बात समझे ही नहीं। हम तुम्हारी जान लेने की बात नहीं कर रहे थे, अपनी जान लेने की बात कर रहे थे, और हमारी जान फिरदौस है। बेटी, शायद तुम्हें लाड़ प्यार से पालकर हमने इसीलिए बड़ा किया था कि एक दिन हम तुम्हें अपने खानदान की आबरू पर कुर्बान कर सकें। यह आबरू तुम्हारे अब्बू सरकार और खुद तुम्हारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए कुर्बानी के इस रास्ते पर पहले तुम जाओगी। खुदा हाफिज। ये भी मोहब्बत का इम्तिहान था फिरदौस। खुदा हाफिज। क्या बात है जावेद मियां? अम्मी जान, क्या बात है फिरदौस, तू रो क्यों रही है? पता ना, पता? हम तुम्हारे दिल का दर्द समझते हैं नूर चश्मी, मगर हम वाकई मजबूर हैं। अगर आसमान में जमीन का पैबंद लग सकता तो खुदा की कसम हम ये रिश्ता कबूल करते, मगर आसमान में जमीन का पैबंद नहीं लगता बेटी। अरे जावेद मियां, सब खैरियत तो है भाई? ये रोनी सूरत क्या बना रखी है? हाँ, क्या बताएं अख्तर भाई, ऐसा समझे कि जी उब गया जिंदगी से। लखनऊ में अब कुछ रहा नहीं, मैं लखनऊ छोड़ के जा रहा हूँ। लखनऊ छोड़कर जा रहे हो? जी। मगर क्यों? मुझसे कहा गया कि मैं फिरदौस को भूल जाऊं। फिरदौस के वालिद माजिद खुद तशरीफ लाए थे मेरे गरीब खाने पर, और यश कला छोड़ गए कि जो मेरे खानदान में चुटकी भर खोट ना होता तो उन्हें मेरी और फिरदौस की शादी पर कोई एतराज ना होता।
अब तुम ही बताओ मैं फिरदौस को कैसे भूल जाऊं। आमा यार तुम तो हो पागल, इतनी जरा सी बात पर आप दीदा हो गए, भूलने को कहा है तो भूल जाओ। अरे भाई लखनऊ में खूबसूरत लड़कियों का काल तो है नहीं, कहीं और दिल लगा लो। हाँ शादी का जिम्मा हमारा। बहुत खूब, क्या दोस्ती का हक अदा किया आपने हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाकर। इश्क तो आप भी करते हैं, क्या आप अपने वाली को भुला सकते हैं? फिरदौस के वालिद का नाम क्या है? नाम वाम जानने से कोई फायदा नहीं दोस्त, वो नहीं मानेंगे। अरे मानेंगे तो उनके फरिश्ते भी, नाम तो बताओ। नवाब मिर्जा सरफराज अली चंगेजी। निहायत ही कलफ लगा स्त्री के वह नाम है, नवाब मिर्जा सरफराज अली चंगे। कहीं ये फिरदौस महल वाले चंगेजी तो नहीं? वही फिरदौस वाले। अरे वो तो सुना है बहुत ही अकड़ू चीज है। आवा यार कोई आसान बाप तलाश किया होता बेटी से इश्क करने के लिए। नवाब चंगेजी के यहाँ तो कहते हैं आसमान इतना नीचा है कि कोई सर उठाकर खड़ा भी नहीं हो सकता, आशिक भी हुए तो कहा। आवा में मजनू कहाँ चले? रेगिस्तानों की खाक छान ले। सुना है इन दिनों रेगिस्तानों की कमी पड़ गई है, अलॉट करवाना पड़ता है। दो चार दिन रुक जाओ, किसी अच्छे से रेगिस्तान का पता चलाता हूँ, एक आध दिन सोचने तो दो यार। आप सोच के क्या तीर मार लेंगे? बरखुरदा जब हमारा तीर निशाने पर लगेगा तो फिरदौस तुम्हारी बाहों में होगी। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, होश में तो हो? अब होश का अम्मी जान, चट मंगनी पट ब्याह करवा दीजिए बस। वो साहिबजादे मिल गई क्या? हाँ अम्मी जान मिल गई। ये तो चंगेजी खानदान के लिए शर्फ की बात है कि आप हमारे फिरदौस को कनीजी में लेने के लिए फिरदौस महल तशरीफ लाएं। ये आप क्या फरमा रहे हैं? शर्फ की बात तो हमारे लिए है कि आपने अख्तर को अपनी गुलामी में कबूल फरमाया। बेगम साहिबा अगर नामुनासिब ना हो तो मैं फिरदौस जहाँ की बलाएं ले लेती। वो कदम बोसी के लिए आया ही चाहती है, लीजिए वो आ गई। शबनम वहीदन इधर आओ, मैं सदका उतार लूं। इसे हाथ लगा दो बेटी। आपके पड़ोस में तो आपकी मेहरबानी से कोई गरीब होगा नहीं, फिर भी इसे जरूरतमंदों में तकसीम करवा दीजिएगा। ये थोड़े से जेवर हैं फिरदौस महल की लौंडियों बांदियों के लिए। हम इस चौधरी के बेदाग चांद को लेने के लिए इसी चांद की 14 को आएंगे। बहुत दिन रहे अंधेरों में। बोरिया बिस्तर लेकर ऊपर चलो, चलो जाओ। आपको हमारी बारात में शरीक होना पड़ेगा, हम शादी कर रहे हैं। क्या उस वाली लड़की का पता चल गया? चला नहीं, चल जाएगा। फिलहाल हम किसी और लड़की से शादी कर रहे हैं। किसी और लड़की से? कौन है वो? तुम ही बताओ कौन है वो। मैं कैसे जानू कौन है वो? अरे यार तुम अच्छी तरह जानते हो कि कौन है वो। लखनऊ में तो मैं सिर्फ एक ही लड़की को अच्छी तरह से जानता हूं और वो हो नहीं सकती। अरे बेटा वही है वो। फिरदौस? हाँ मेरे लाडले, हम फिरदौस से ही शादी कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खराबी तो था जाने मन, जब हमने कहा था कभी जान भी मांगोगे हम इनकार नहीं करेंगे, शादी के बाद हम फिरदौस को तलाक दे देंगे और नवाब सरफराज अली चंगेजी खानदान को छीछा लेदर से बचाने के लिए तुम्हारे खानदान की खोट को भूलकर
फिरदौस का निकाह तुमसे कर देंगे। अख्तर नवाज फिरदौस इस निकाह पर हाँ नहीं बोलेगी। जब तुम उसे सारी बात समझा दोगे तो वो खुशी से उछल पड़ेगी। और हाँ जावेद, उसे ये मत बताना कि मैं तुम्हारा उर्स वाला दोस्त हूँ। मैं तो जरूर बताऊंगा। इस कलयुग में तुम जैसे दोस्त भी होते हैं। अरे नहीं दोस्त नहीं, मैं तो फिरदौस से बदला लेना चाहता हूँ। याद है जब उसमें मैंने फिरदौस से कहा था कि जावेद कभी हमारी जान भी मांगेगा तो हम इनकार नहीं करेंगे, और उसने हंसकर हमारा मजाक उड़ा दिया था। हाँ यार बड़ा मजा आएगा, जब फिरदौस तुम्हें अपने सामने देखेगी तो नदामत से उसका सर झुक जाएगा, और वही नदामत हमारी दोस्ती की जीत होगी। तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे तस्वीर देखने को कहूं कैसे। फिर भी तस्वीर देख लेना। परवरदिगार, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने का हक तूने मुझे दिया है। जावेद की दोस्ती मेरी जान है, और जावेद की जान फिरदौस है। उन दोनों की खुशी के लिए ये जो कदम मैंने उठाया है, अगर ये गुनाह है तो मैं तेरा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर देना। और अगर तूने न भी माफ किया तो मैं अबद तक जहन्नुम की आग में जलने के लिए तैयार हूं। He's getting married in the evening. The bells are going to be tolling. तुमने तो कमाल कर दिया जावेद। Javed? Who the bloody hell is Javed? This is Lord Passing Show, my dear sir. Lord Passing Show, what may I say? भाई हम तो साहबजादे नवाब अख्तर नवाज साहब की शादी में शरीक होने के लिए सीधा पासिंग शो सीक्रेट फैक्ट्री से आए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? अम्मी जान, ये मेरे फरंगी अंकल हैं, लंदन से आए हैं। इनका नाम है लॉर्ड पासिंग शो। गुड इवनिंग माय फेयर लेडी। जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात जाने का वक्त हो गया है। जी अम्मी सरकार, आधा बजा लाता हूँ। अरे जावेद, ये तुमने क्या वेश बना रखा है? बात समझा कीजिए अम्मी सरकार, अगर इनकी दुल्हन ने हमें देख लिया तो इनसे निकाह करने से इनकार कर देगी। सर एक और फरमाइए, बारात दरवाजे पे उतरी हुई है, दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं, कयामत हो जाएगी। फिर हमें शिराजी खानदान की आबरू बचाने के लिए उन मोहतरमा से शादी करनी पड़ेगी। सो शिराजी खानदान आपका बड़ा एहसान मंद है। इस चेहरे पे मुस्कुराहट के बजाय उदासी कैसे? डर लग रहा होगा ना, फिर जाने क्या गुजरी। डरू मत, मैं भूल चुकी हूँ, बड़े मजे की बात होती है। तुम सारा दो शर्माने पर लगाए रखना, बाकी बातें दुल्हे मियां संभालेंगे। Going inside your... Going inside? After you? Yeah. साहबजादी, फिरदौस जहां बेगम, क्या 5 लाख सिक्का रायदुल वक्त पर नवाब अख्तर नवाज साहब वलद नवाब सरवर नवाज साहब मरहूम से
आपको निकाह कबूल है? बेटी साहबजादे नवाब अख्तर नवाज साहब, साहबजादी फिरदौस जहां बेगम बिनते नवाब सरफराज अली खान साहब चंगेजी से दिए वक्त 5,00,000 राय जुल वक्त दीने मेहर पर आपको निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। हाँ कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर रात को तो वक्त नहीं मिलेगा देखने का। दूल्हे मियां अब देख भी चुको। हम तो अपने घर जाकर देखेंगे। हाय हाय, क्या सुर लगाते हैं फिरदौस के दुल्हा। अपनी असली आवाज हवेली में रखाए होंगे कि कहीं शादी के भीड़ भड़ाके में आवाज गुम न हो जाए। अच्छे खासे तानसेन के अवतार लगते हैं। कौन सा राग सुनाऊं, दिल में लाऊं या दिल जलाऊं? वाह क्या लतीफा जोड़ा है, मुल्ला टोपिया में की औलाद लगते हैं। नाम भी सुनकर रखा है, कैसी शक्ल कैसा नाम। सुना है बड़ी नाजुक है आपकी दुल्हनिया। वो तो है, फूल मारो तो जिस्म पर नील पड़ जाए। आदाब। इसलिए मियाँ सो समझ कर हाथापाई करना। खबरदार मियाँ, हाथ काट दिए जाएंगे। अभी उद्यम खत्म कीजिए और यहाँ से तशरीफ ले जाइए, मेरे भैया के सोने का वक्त हो गया। लो, वक्त तो हमारा था आपाजान, मगर हमें अख्तर नवाज पर पूरा भरोसा है कि वो अपने आप को दूल्हा न समझते हुए शब ए रूसी के पलंग पर नहीं सोएंगे, कालीन पे सोएंगे। जी हाँ जरूर। चलो भैया। ख्याल रखिएगा। भाभी जी, हमारे अख्तर भाई बड़े अनाड़ी हैं। उन्हें शादी का बिल्कुल तजुर्बा नहीं, उन्हें मसनवी बहारें सुनाते रहिएगा। हाथापाई में हाँफते जाना, छोटे कपड़े उतारते जाना। परेशान कर दिया बेचारी दुल्हन को। चलो भागो यहाँ से, चलो 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 जल्दी निकलो। आप भी जाइए। हमसे पर्दादारी किस लिए, घूंघट उलट दीजिए। आप तो हमारी भाभी जान हैं, हमारे भाई की जान। चलो हम खुद ही घूंघट उलट कर देख लेते हैं कि जिस पर हमारे जावेद भाई परवानावार निसार हुए हैं वो चरागे हुस्न कौन है। ये दीदारे यार नहीं। जावेद, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। Thank you.
रहे हैं, कहाँ हैं आप? जनाब अभी तक सो रहे थे। मिया कहीं अमानत में खयानत तो नहीं कर डाली? जावेद आओ वहां बैठते हैं। वहां क्यों? आपकी खाबगाह में चलते हैं। हजूर आला हम तो दीदारे यार के लिए आए हैं। मैं चलता हूँ। जावेद वो आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं अख्तर मियां, खैरियत तो है? आओ मेरे साथ चलो। मानी जान रिंकू पिंकू मामू जान फिरदौस, हमारे दोस्त जावेद आपसे मिलने आए हैं। आबी जान के हुस्न की बड़ी तारीफ सुनी है, सोचा चलो हम भी मलका हुस्न को एक नजर देखा है। बड़े आए एक नजर देखने वाले, जानते हो रूनुमाई के लिए रकम देनी पड़ती है। इनकी सूरत देखने के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। क्यों हजूर अख्तर? ठीक कहा नाम ने देखा, घबरा के चले गए कि कहीं दुल्हन हमें देखते ही इन्हें तलाक न देते। बोलिए मुंह दिखाई के लिए रकम लेंगी या जान? जान को तो आप अपने पास ही रखिए। हाँ रूनुमाई के लिए 2000 जरूर देने पड़ेंगे। मंजूर, चलिए मंजूर है। ये 100 नकद, बाकी उधार ये लीजिए। बस अब जल्दी से घूंघट उलट दीजिए। अरे हमसे हया कैसी, हम तो हजारों बार आपके दीदार कर चुके हैं। उठते बैठते सोते जागते आप ही के ख्वाब देखते हैं। जब से आपका निकाह हुआ है दीदारे शौक मचल उठा है। बस जल्दी से जलवा दिखा दीजिए। चलिए हम दिखाई देते हैं, लेकिन हमें भी 2000 रुपए देने पड़ेंगे। 2000 बेशक, ये 100 नकद बाकी उधार। क्या बात है, रुखसारों पर आंसू मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ये जुदाई के आंसू हम साथ लिए जाते हैं, जुदाई इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इन्हें मायके जल्दी भिजवा दीजिएगा। बड़े आए भाभी जान के हमदर्द, चलिए। अख्तर बेगम जल्दी से नया लिबास और जमरूद का सेट पहन लीजिए। पुरानी हवेली और पीली कोठी की बेग में आ रही है रूनुमाई के लिए। कीड़े निकालने का शौक है उन मुर्दियों को। तलाक देने के लिए कोई बहाना तो होना चाहिए। कल निकाह हुआ, अगर आज तलाक दे दूंगा तो पूरे लखनऊ में हंगामा हो जाएगा। और फिर अब अम्मी जान क्या सोचेंगी? यार फिरदौस मेरी होकर भी मेरी नहीं। जावेद तुम यहां मत आया करो। क्या फरमाया आपने? मुझे डर है कि तुम्हारी हरकतों से किसी को शक ना हो जाए। मुझे तो आप पर शक होने लगा है। एक बात याद रखिए अख्तर नवाज साहब, फिरदौस आपकी भाभी है और मेरी जान है। आदाब। मिजाज तो अच्छे हैं जावेद मियां, आपकी इनायत। मगर आप यहां कैसे? अख्तर नवाज मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। एक जान दो काले वाला किस्सा है। एक जरूरी काम की वजह से शादी में शरीक ना हो सका, सो मुबारकबाद देने चला आया। नवाब साहब आपको भी मुबारक हो साहिबजादी की शादी। इजाजत चाहता हूं। खटमल था अंदर जा रहा था। जावेद मियां जनाब मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, दरअसल हुआ ये कि बेगम ने कल रात एक हौलनाक ख्वाब देखा। जब इसे बड़ी परेशान है, जिद कर रही थी बेटी को देखने की। मैंने बहुत समझाया कि भाई चौथी के पहले जाना मुनासिब नहीं। नवाब साहब ये भी तो आप ही का घर है।
रस्में गैरों से होती हैं। बेटे अख्तर नवाज जी, अम्मी जान इन्हें ऊपर ले जाओ जी। आइए। आफ्ताब बाबा के दरबार से क्या मांगा तुमने? मैंने मांगा सबकी मुरादें पूरी करने वाले मेरे महबूब की मुराद पूरी करना। और आपने क्या मांगा? मैं मांगूंगा या पीर दस्तगीर मेरे महबूब का हाथ कभी मेरे हाथ से जुदा ना करना। रात मैंने एक ऐसा हौलनाक ख्वाब देखा कि दहलके रह गई। खुदा खुदा करके सुबह हुई और मैं तुम्हारी बलाएं लेने चली आई। कैसी हो बेटी? आपको मेरी खुशी नजर नहीं आ रही? बहुत खुश हूं अम्मी जान, और जब तक जिंदा हूं शादी से तरह खुश रहूंगी। फिरदौस बेटी, मैं शिकवा थोड़े ही कर रही हूं अब्बू सरकार, पर दुआ कीजिए कि मुझे जीने की आदत हो जाए, या फिर ये बताइए यूं जिंदगी करने को कहां से जी करावे। अबू, अरे भाई अख्तर, आज तो हमारी तकदीर ने कमाल कर दिया। तुम्हें मैं कदम रखते ही देखता हूं कि अम्मी सरकार की सवारी आपा नसीम आ रहा है, उनके बच्चों के साथ बाहर जा रही है। हमने सोचा वाह जावेद भैया, आज तो जी भर के दीदार यार कर लो। आपने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? तुम ऊपर नहीं जा सकते। मैं ऊपर नहीं जा सकता? जावेद तुम यहां से चले जाओ और दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। अख्तर नवाज, जावेद समझ गया। अख्तर नवाज, फिरदौस का हुस्न देखकर तुम अपने होश हवास खो बैठे हो। हां, मैं फिरदौस का दीवाना हूं। मैं फिरदौस तुम्हें नहीं दे सकता, फिरदौस मेरी है। फिरदौस तुम्हारी है? ये तुमने फिरदौस से पूछा? पूछने की जरूरत नहीं, फिरदौस मेरी बेगम है, मैं उसे निकाह करके लाया हूं। मगर मुझसे तुम्हारा वादा था कि निकाह के बाद तुम फिरदौस को तलाक दे दोगे। मैंने उस वक्त जो कुछ भी कहा था अनजाने में कहा था जावेद, मैं नहीं जानता था कि फिरदौस वही लड़की है। क्या कहा? फिरदौस वही लड़की है जो तुम्हें उर्स में मिली थी? हां वही, मुमताज महल जैसी। फिरदौस को तो आपसे मोहब्बत नहीं? ना सही। तो फिर भी आप उस मजबूर मोहब्बत को जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं? मजबूर मैं भी हूं, मुझे मुझे अपने आप पर इख्तियार नहीं। मेरे दिल की हर धड़कन फिरदौस से है। तुम फिरदौस को भूल जाओ, मुझे मेरी फिरदौस दे दो, मैं फिरदौस के एवज में तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। आप फिरदौस का सौदा करना चाहते हैं? हां बोलो क्या लोगे। अख्तर नवाज, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा जो तुम मुझे दे सको। तुमसे बढ़कर जलील और कमीना इंसान और कोई नहीं होगा। आप ऊपर जाइए। सुना नहीं? हट जाओ अख्तर, मैं कहता हूं हट जाओ। जावेद नहीं, मैं फिरदौस नहीं।
काश तुमने उर्स में मुझे अख्तर नवाज के बारे में बता दिया होता। मैं बताना चाहती थी, मगर जब मुझे पता चला कि आप दोनों गहरे दोस्त हैं तो मैं खामोश रह गई। मगर क्यों? ये सोचकर कि एक दोस्त को दोस्त के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, और मेरा ख्याल था कि ये मजाक उर्स में ही दफन होकर रह जाएगा। अब हमें अपने प्यार को अपने हाथों दफन करना होगा। अब अख्तर नवाज हकीकत है और मैं तुम्हारा ख्वाब। अगर आप मेरा ख्वाब हैं, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाना चाहती हूं। अख्तर नवाज, मोहब्बत इबादत है। इबादत का सौदा नहीं करते, इबादत के सामने सर झुकाते हैं। बोतल देकर आप इतना परेशान क्यों हो गए? आज हम बहुत खुश हैं कि आपने अपनी फिरदौस में बसी। आज हमने जिंदगी में पहली बार पी है। तुम पूछोगे कि क्यों पी है? हम बताते हैं। सुना था लोग गम को दबाने के लिए पी, हमने खुशी दबाने के लिए पी है। हमें डर था कि कहीं हम अपनी खुशी में डूब ना जाए। आज आप गम के मरीज लग रहे हैं। गम का मर जाता रहेगा। लो पीरो मेरे यार, खोलो खोलो मुंह, खोलो खोलो। मैं चलो बोतल तोड़ दी, कोई परवाह, हम दूसरी बोतल खरीद लेंगे। जावेद साहब, शराब इबादत नहीं, शराब का सौदा होता है। शराब के सामने सर नहीं झुकाते। बाजार शराबे हुस्न से पड़ा, एक से एक खूबसूरत रंगीन बोतलों से हमें जो पसंद आएगी हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे, खरीद। नवाब साहब, ये आपने पीना कब से शुरू कर दिया? आज तो तुम भी पियो। किबला नवाब साहब, उधर कहाँ जा रहे हैं? अपनी हुस्ना के पास। नवाब साहब, आपने आने में देर कर दी, हुस्ना ने आपके लिए अपनी जान दे दी। अगर हुस्ना हम पर जान देती है तो हम भी हुस्ना पर जान देते, इसीलिए आज हम उसे अपना बना लें। नवाब साहब, अरे जुम्मन मियां, आपने नवाब को नशे में चूर है। अरे यार, सुना है रातों को हुस्ना के कोठे से साजों की आवाज आती है। अरे खुदकुशी हराम है, इसलिए तो रूह को निजात नहीं मिलती। अरे अरे ऊपर कहाँ जा रहे हैं हुजूर? चमन से पंछी तो कब का उड़ चुका। क्या फरमाया आपने? हुजूर, जिस रोज नवाब अख्तर नवाज की शादी हुई थी उसी रात हुस्ना ने खुदकुशी कर ली। ओ
हुस्ना। हुस्ना। हुस्ना, आज यहाँ अंधेरा क्यों है? क्या हुआ इस कोठे की रोशनी को? हुस्ना, नाचो गाओ, आज हम संगीत में डूब जाना चाहते हैं। सरकार, हुस्ना ने नाच गाना छोड़ दिया है। क्या, नाच गाना छोड़ दिया? लेकिन क्यों? नाच गाना ही नहीं, हुस्ना ने दुनिया भी छोड़ दी। हम तुम्हारी दुनिया फिर से आबाद कर देंगे, फिर वही सांस होंगे, फिर वही आवाज, घुंघरों की झंकार। आप एक दिन अपनी बहन का सुहाग बरकरार रखने के लिए बाजारे हुस्न में आए थे, और आज अपनी बेगम का सुहाग उजाड़ने के लिए बाजारे हुस्न में आए हैं। चाहिए इस बाजारे हुस्न से हुस्न अपने महबूब का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। चाहिए यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। चलो हमारे। हुस्ना, ये क्या, हम तुम्हारा हाथ क्यों नहीं पकड़ सके? आप बहुत नशे में। मैं अख्तर नवाज, आप किससे बातें कर रहे हैं? हुस्ना, जावेद मियां आए हैं, इन्हें आदाब करो। आदाब? अख्तर नवाज, जावेद मियां, आपने हुस्ना की आदाब का जवाब नहीं दिया। तो आप दीवाने हो गए? चलिए मेरे साथ। कहाँ? कहाँ? अपनी बेगम के पास। तो आप अपनी महबूबा को ये बताना चाहते हैं कि आप इंसान के भेष में फरिश्ता हैं? जाइए जाइए, हम अपनी बीवी के आशिक के साथ नहीं जाएंगे। जाइए जाइए। दोस्त का ख्याल रखना, इसकी जिंदगी, इसकी खुशी तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जावेद साहब, मैं भी तो आपके दोस्त के पास किसी की अमानत थी। ये हुस्ना की कब्र है। आदाब, तसली, तशरीफ रखिए। खुदा खैर करे, इतने सवेरे सवेरे
अख्तर नवाज का बुलावा आया था। अख्तर नवाज का? जी हाँ। मगर क्यों? लो अख्तर दुल्हन भी आ गई। चुक चुक जी हो बेटी। बेगम साहिबा, काजी साहब तशरीफ लाए हैं। काजी साहब, आपको यहाँ आने की जहमत किसने दी? मैंने। काजी साहब और गवाहों को मैंने यहाँ बुलाया। मगर क्यों? मैं अख्तर नवाज खान वल्द मरहूम नवाब सरवर नवाज खान काजी साहब किबला और गवाहों के सामने फिरदौस बेगम बिन्त नवाब सरफराज अली को तलाक देता हूं। तलाक, तलाक, तलाक। ये तूने क्या किया नामुराद? जो आपने सुना। खानदान की इज्जत उछालने से पहले तेरी जमान जल क्यों नहीं गई? बदनसीब, क्या खराबी है हमारी फिरदौस दुल्हन में? आपके साहबजादे ने अपना शरई हक इस्तेमाल किया है बेगम साहिबा। यूं खरबुला कर जलील करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम इस जिल्लत को याद रखेंगे और अपने दामन पर लगे हुए इस जिल्लत के दाग को तुम्हारे खून से धोने की कोशिश करेंगे। जाने पिदर, तू इतने ही दिनों की जिंदगी लिखा कर लाई थी। चल बेटी। हमारे घराने की आबरू को कहां ले जा रहे हैं? हम अपने घराने की बेइज्जती समेट कर ले जा रहे हैं बेगम साहिबा। नवाब साहब, मैं आपको और बेगम साहिबा को और काजी साहब किबला को गवाह बनाकर ऐलान करती हूं कि आज से अख्तर नवाज मेरे लिए मर गया और फिरदौस आंखों की रोशनी की तरह हमारी आंखों में रहेगी। यह नहीं हो सकता नवाब साहब। अगर आप फिरदौस को नहीं जाना चाहते हैं तो इस बेवा की आबरू को रोंदते हुए ले जाइए। मैं जानता हूं जब तक मैं जिंदा हूं तुम अख्तर नवाज को कभी कबूल नहीं करोगी, इसलिए मैं अपनी जान अपने दोस्त की मोहब्बत पर कुर्बान कर रहा हूं। मुझे माफ करना फिरदौस, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अलविदा। जावेद, दरवाजा खोलो जावेद। अख्तर नवाज, अब मेरे पास जो आए हो तो क्या आए हो? यह दरवाजा नहीं खुलेगा मेरे दोस्त। दरवाजा नहीं खुलेगा? मगर क्यों? फिर दोस्त, तुमने कही थी हम तो दुनिया ही छोड़े जाते हैं। फिर दोस्त तुम्हारी है ना, मुझ पर तो हराम हो गई, इसलिए तो हराम मौत मर रहा हूं ताकि जन्नत में भी मुलाकात ना हो। मैंने दोस्ती की है मेरे यार, तुम्हें ना इस दुनिया में शर्मिंदा करूंगा ना उस दुनिया में। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। ये तो आपकी बड़ी ज्यादती है नवाब अख्तर नवाज साहब, जिंदगी छीन ली और मरने भी नहीं देते। जावेद, हमने तुमसे कहा था ना
कभी हमारी जान भी मांगोगे हम इनकार नहीं करेंगे। हमारी जान सामने खड़ी है और हमने अपनी जान तुम्हें दे दी। क्या मतलब? हमने फिरदौस को तलाक दे दी है। फिरदौस को तलाक दे? अख्तर नवाज, तुम वाकई दीवाने हो गए हो। दीवाना ही तो था जो अपने फर्ज से बेगाना हो गया था। जावेद, फिरदौस तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। अच्छा, तो तुम दोस्ती की ये बाजी इस तरह जीत ले जाना चाहते हो? मेरे यार, दोस्ती की ये बाजी अख्तर नवाज नहीं, जावेद जीतेगा। ये तुम्हारा ख्याल है। इस बाजी में जीत अख्तर नवाज की ही होगी और ये तुम अभी अपनी आंखों से देखोगे। फिरदौस जी, हमें उम्मीद है कि तुम हमें माफ कर दोगी। मेरे यार, मैं जानता था कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम फिरदौस को अपना नहीं बनाओगे, इसीलिए मैं अपने साथ ये लेकर आया था। अलविदा मेरे। नहीं अख्तर नवाज, नहीं। दोस्ती की इस बाजी में जीत मेरी होगी। सिर्फ मेरे लिए मैं ही अपने आप को खत्म कर दूं तो ये दोस्ती जिंदा रहेगी। मेरे यार, आखिर दोस्ती के इस बारे में जीत मेरी हुई। नहीं अख्तर, नहीं तुम्हें नहीं अख्तर, नहीं। ये गोली क्या? अख्तर, ये तुमने क्या किया? माँ, माँ, मुझे माँ